स्पेशल आरपी आपके लिए सेशन होता है। सो आज की क्लास में हम जीके के साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे विद एक्स्ट्रा फैक्ट। ये सभी टॉप के क्वेश्चन होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। कुछ ऐसे प्रश्न है जो आरपी आपकी परीक्षाओं में कई बार पूछे गए हैं। सभी ध्यान से देखिएगा क्लास को। अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता है तो उसे नोट डाउन कर सकते हो। जो एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बताए जाए उन्हें भी ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि परीक्षाओं में उनसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। गुड क्लास, इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए। बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या होगा। अकबर की दूसरी राजधानी क्या थी, इसका राइट आंसर क्या होगा। अगर पूछा जाए अकबर की पहली राजधानी क्या थी तो आप लोग याद रखिएगा आगरा, वर्तमान में उत्तर प्रदेश में है। आगरा अकबर की पहली राजधानी थी। गुड मॉर्निंग, सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, फतेहपुर सीकरी। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, फतेहपुर सीकरी अकबर की दूसरी राजधानी थी। बी इसका राइट आंसर होगा। और ये जो फतेहपुर सीकरी है वर्तमान में उत्तर प्रदेश में आगरा के पास है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर दो के लिए। बताइए एक बाइट किसके बराबर होता है। सभी जल्दी से आंसर करिए, एक बाइट किसके बराबर होता है। जिसने अभी लाइव सेशन को लाइक नहीं किया है लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वाला आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। गुड मॉर्निंग सभी को। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, 8 बिट्स के बराबर होता है। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, एक बाइट 8 बिट्स के बराबर होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर तीन के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर तीन के लिए। बताइए रणजीत सागर बांध किस नदी पर बना है। ये अच्छा क्वेश्चन है, ज्योग्राफी संबंधित क्वेश्चन है, बहुत सी परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ये जो रणजीत सागर बांध है किस नदी पर बना है, इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी के आंसर गलत हैं। ए करेक्ट आंसर नहीं होगा इसका, ना बी करेक्ट आंसर होगा। आपके आंसर गलत हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, रावी नदी पर है। क्या करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा जो रणजीत सागर बांध है रावी नदी पर है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अब पूछ सकते हैं कहाँ पर है, तो आप लोग याद रखिएगा पंजाब और जम्मू कश्मीर की सीमा पर है। ये भी आप लोग याद रखिएगा, रावी नदी करेक्ट आंसर होगा इसका। बहुत अच्छे, तो इसे आप लोग याद रखिएगा, बहुत सी परीक्षाओं में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, आपके भी एग्जाम में पूछ सकते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर फोर के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर फोर के लिए। बताइए दोस्तों म्यांमार किस महाद्वीप के अंतर्गत आता है, इसका राइट आंसर क्या होगा। जो म्यांमार है किस महाद्वीप के अंतर्गत आता है। गुड मॉर्निंग, आंसर सभी लोग दीजिए, राइट आ रहा हूँ, आप लोग आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है। या ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, म्यांमार एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है, भारत का पड़ोसी देश है, भारत के पूर्व में स्थित है। पूछा जाता है क्वेश्चन भारत की किस दिशा में है, तो आप लोग याद रखिएगा भारत की पूर्व दिशा में स्थित है, भारत का पड़ोसी देश भी है म्यांमार, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर फाइव के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर फाइव के लिए। बताइए साहित्य में भारत देश के एकमात्र नोबल पुरस्कार विजेता कौन है, इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, रविन्द्रनाथ टैगोर। कई बार मैंने आपको बताया है पहले भारतीय व्यक्ति कौन है जिनको नोबेल प्राइज मिला था, आप लोग याद रखिएगा रविन्द्रनाथ टैगोर। कब मिला था, 1913 में। किस क्षेत्र में मिला था, साहित्य के क्षेत्र में मिला था, गीतांजलि के लिए, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर सिक्स के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर सिक्स के लिए। बताइए राइट आंसर क्या होगा। जर्मनी और फ्रांस के मध्य कौन सी सीमा रेखा है, उसे क्या कहते हैं। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर सिक्स के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, मैगिनोट रेखा। क्या करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा फ्रांस जर्मनी के मध्य मैगिनोट रेखा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जिसने अभी क्वेश्चन नंबर सिक्स का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर सेवन के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा।
सभी जल्दी से आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए, ओलंपिक के निशान में कितने छल्ले हैं? इसका राइट आंसर बताइएगा। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। 2024 में जो ओलंपिक खेल का आयोजन है ये फ्रांस के पेरिस में हो रहा है, आप लोग याद रखिएगा। पूछ सकते हैं, करंट का क्वेश्चन है कि 2024 में ओलंपिक खेल का आयोजन कहां पर हो रहा है, तो आप लोग याद रखिएगा फ्रांस के पेरिस में। कल लाइव सेशन नहीं हुआ था शाम को 8 बजे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा 5। यस, बी करेक्ट आंसर होगा इसका। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए, बताइए क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर क्या होगा। भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कोलकाता मद्रास मुंबई स्थापना कब हुई थी इनकी? तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए, बताइए भारत के जो प्रथम 3 विश्वविद्यालय थे कोलकाता मद्रास मुंबई, इनकी स्थापना कब हुई थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा 1857 में। क्या ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर, आप लोग याद रखिएगा 1857 में स्थापना हुई थी, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए, सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए, बताइए इनमें से कौन सा शहर चूड़ी के उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए, अलीगढ़, आगरा, फिरोजाबाद या फिर कानपुर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, फिरोजाबाद। या तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, आप लोग याद रखिएगा फिरोजाबाद कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में, चूड़ी के उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अलीगढ़ ताले के उद्योग के लिए प्रसिद्ध, आप लोग याद रखिएगा, पूछा जाता है परीक्षा में। कानपुर, आगरा चमड़े के उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए, बताइए तुंगभद्रा परियोजना किस नदी पर है? सभी जल्दी से आंसर करिएगा दोस्तों, बताइए तुंगभद्रा परियोजना किस नदी पर है? इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी जल्दी से आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या है। गुड मॉर्निंग, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, तुंगभद्रा रिवर पर। या तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, जो तुंगभद्रा परियोजना है ये तुंगभद्रा रिवर पर है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 11 के लिए, बताइए स्पेन की करेंसी क्या है? आपको बताना है व्हाट इज द करेंसी ऑफ स्पेन, स्पेन की मुद्रा बताइएगा। गुड, डेली सुबह 10 बजे सेशन होता है स्पेशल आपकी परीक्षा के लिए, सभी डेली सेशन को ज्वाइन कीजिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, यूरो। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, आप लोग याद रखिएगा यूरो स्पेन की करेंसी है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। जिसने अभी क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 12 के लिए, बताइए वॉलीबॉल की एक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? सभी इसका आंसर करिएगा, क्या पूछा गया है? वॉलीबॉल की एक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? वॉलीबॉल श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल है, परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इस प्रकार से प्रश्न पूछा गया था कि श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल क्या होता है, तो आप लोग याद रखिएगा वॉलीबॉल श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल है और वॉलीबॉल की एक टीम में खिलाड़ियों की संख्या 6 होती है। सी इसका राइट आंसर होगा, यस ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 13 के लिए, सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 13 के लिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन कब हुआ था? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? गुड मॉर्निंग, ये अच्छा क्वेश्चन है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। केंद्रीय सतर्कता आयोग का आपको बताना है गठन कब हुआ था। बी करेक्ट आंसर नहीं होगा इसका, फिर से आंसर करिएगा, बी करेक्ट आंसर नहीं होगा इसका। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, 1964 में। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, आप लोग याद रखिएगा 1964 में केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन हुआ था, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अब दूसरा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इसका मुख्यालय कहाँ पर, हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो आप लोग याद रखिएगा केंद्रीय सतर्कता आयोग का जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है, नई दिल्ली में स्थित है, न्यू दिल्ली में स्थित है, ये भी इंपॉर्टेंट है, हेडक्वार्टर भी पूछ सकते हैं परीक्षा में। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 14 के लिए, बताइए भारत का राष्ट्रीय पंजाब किस सम्मत पर आधारित है? तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 14 के लिए, इसका करेक्ट आंसर बताइएगा। भारत को राष्ट्रीय पंचांग है किस सम्मत पर आधारित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, सख्त सम्मत पर। क्या करेक्ट आंसर है? सी इसका राइट आंसर होगा, भारत का राष्ट्रीय पंचांग सख्त सम्मत पर आधारित है, सी करेक्ट आंसर है। गुड, गुड मॉर्निंग,
सभी ने इसका राइट आंसर दिया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ये क्वेश्चन एसएससी एमटीएस की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बिल्कुल इसी प्रकार से पूछा गया था। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। बताइए इनमें से कौन सी मीठे पानी की झील नहीं है। चार ऑप्शन आपको दिए गए, आपको बताना है इसमें कौन मीठे पानी की झील नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, सांभर लेक। क्या करेक्ट आंसर होगा? बीस का राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा, जो सांभर लेक है कहाँ पर है ये भी पूछ सकते हैं आप लोग, याद रखिए राजस्थान में है और ये खारे पानी की झील है, एक खारे पानी की झील है सांभर लेक। बाकी आप लोग याद रखिएगा लोकटक, बड़ा पानी, भीमताल, ये सभी मीठे पानी की झील है। और अगर पूछ लें परीक्षा में भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, तो आप लोग याद रखिएगा बूलर लेक, जो कि जम्मू कश्मीर में है। भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है और सबसे बड़ी खारे पानी की झील है चिल्का लेक, कई बार मैंने आपको बताया भी है ओरछा में, और ये एक लैगून झील है। अब इसका आंसर करिएगा, सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। असम विधानसभा में कितने सदस्य हैं? यह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बिल्कुल इसी प्रकार से पूछा गया था। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, सभी इसका आंसर करिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है 126। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, 126 सदस्य हैं असम विधानसभा में, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। वर्तमान में असम के मुख्यमंत्री कौन है? कई बार मैंने आपको बताया भी, हेमंत बिस्वा सरमा असम के मुख्यमंत्री हैं। राजधानी दिसपुर है, असमिया ऑफिशियल लैंग्वेज है असम की। गुड, इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। आपको बताना है बैरियम का रासायनिक प्रतीक क्या है, बैरियम को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। गुड, बी करेक्ट आंसर नहीं होगा इसका, फिर से आंसर करिए सभी लोग, बी करेक्ट आंसर नहीं होगा। पहले प्रश्न को समझिएगा, क्या पूछा गया है, बैरियम को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, बी ए से रिप्रेजेंट किया जाता है, ए करेक्ट आंसर होगा, बी ए से रिप्रेजेंट किया जाता है बैरियम को, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। और अगर पूछ लिया जाए परमाणु संख्या क्या है, तो आप लोग याद रखिएगा 56, 56 परमाणु संख्या है बैरियम की, और बी ए से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। बताइए दामोदर नदी कहाँ से निकलती है, इसका राइट आंसर बताइएगा दोस्तों। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टॉप के क्वेश्चन है, इन्हीं में से क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाएंगे। क्लास को आप लोग ध्यान से देखिएगा, अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता है उसे नोट डाउन कर सकते हो। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, छोटा नागपुर पठार से। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, सभी लोग याद रखिएगा दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार से निकलती है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 19 के लिए, सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। बताइए नामीबिया की राजधानी क्या है, आपको नामीबिया की कैपिटल बतानी है, राजधानी बतानी है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, विंडहॉक। क्या करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, आप लोग याद रखिएगा नामीबिया की राजधानी विंडहॉक है, बी करेक्ट आंसर होगा। नैरोबी केन्या की राजधानी है, परीक्षा में पूछा जाएगा केन्या की राजधानी क्या है, तो आप लोग याद रखिएगा नैरोबी केन्या की राजधानी है। डोडोमा तंजानिया की राजधानी है, सी करेक्ट आंसर नहीं होगा, आप लोग याद रखिएगा डोडोमा तंजानिया की राजधानी है, इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं परीक्षा में। मॉस्को कई बार मैंने आपको बताया रशिया की राजधानी है, चार ऑप्शन को आप लोग याद रखिएगा, राजधानी संबंधित प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, सभी जल्दी से आंसर करिए, बताइए उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, आप लोग याद रखिएगा उपराज्यपाल या राज्यपाल दोनों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, जिसने अभी क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। गुड मॉर्निंग, इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 21 के लिए। बताइए शैवाल के अध्ययन को क्या कहते हैं, सभी जल्दी से आंसर करिएगा, शैवाल के अध्ययन को क्या कहा जाता है, इसका राइट आंसर बताइए, बी करेक्ट आंसर नहीं होगा इसका, माइकोलॉजी कवक के अध्ययन को कहते हैं, बी करेक्ट आंसर नहीं होगा इसका, कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है, इसका राइट आंसर बी नहीं होगा, डी करेक्ट आंसर होगा फाइकोलॉजी, या ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, डी करेक्ट आंसर होगा, आप लोग याद रखिएगा शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, जिसने अभी क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 22 के लिए, मुलायम कोयला किसे कहा जाता है? सभी जल्दी से आंसर करिए, बताइए मुलायम कोयला किसे कहते हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, बिटमिनस को। क्या करेक्ट आंसर है? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर, आप लोग याद रखिएगा, बिटमिनस को मुलायम कोयला कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। आप पूछ रहे हैं परीक्षा में भूरा कोयला किसे कहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग याद रखिएगा भूरा कोयला कहा जाता है लिग्नाइट को। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 23 के लिए, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है बताइए कहाँ से लिया गया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से। यह तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 24 के लिए, आपको बताना है सोलर कुकर में किस तर्पण का प्रयोग किया जाता है। सभी जल्दी से आंसर करिएगा, सोलर कुकर में किस तर्पण का प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, दोनों या फिर अनावतीज? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, अवतल दर्पण का। या तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्या करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, आप लोग याद रखिएगा, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है सोलर कुकर में। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 25 के लिए, थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन है बट आप लोग आंसर करिएगा, ज्योग्राफी संबंधित क्वेश्चन है। किस प्रदेश में पूरे साल वर्षा होती है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 25 के लिए, सभी इसका आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, विस्वती जो प्रदेश है, बी करेक्ट आंसर होगा, विस्वती प्रदेशों में पूरे साल वर्षा होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, ए करेक्ट आंसर नहीं होगा इसका, बी करेक्ट आंसर होगा। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 26 के लिए, सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 26 के लिए, इसका राइट आंसर बताइएगा। राष्ट्रमंडल दिवस कब मनाते हैं? सभी इसका आंसर करिएगा, राष्ट्रमंडल दिवस बताइए कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, 24 मई को। या तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, आप लोग याद रखिएगा, 24 मई को प्रतिवर्ष राष्ट्रमंडल दिवस मनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। दिवस से संबंधित क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 27 के लिए, बताइए राधा मोहन कप किस खेल से संबंधित है? सभी जल्दी से आंसर करिएगा, क्या पूछा गया है? राधा मोहन कप किस खेल से संबंधित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ए करेक्ट आंसर होगा, पोलो खेल से संबंधित है। क्या करेक्ट आंसर है? ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर, आप लोग याद रखिएगा, पोलो खेल से संबंधित है राधा मोहन कप। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है, जिसने भी क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर ए भी आंसर सही उत्तर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 28 के लिए, सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 28 के लिए, गुड मॉर्निंग। बताइए किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता है? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ये पॉलिटिक्स संबंधित क्वेश्चन है, अच्छा प्रश्न है, इसका करेक्ट आंसर बताइएगा। किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, राज्यपाल की अनुमति के बिना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, गवर्नर। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 29 के लिए, पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? सभी इसका आंसर करिएगा, यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो परीक्षा है बहुत जल्द होगी, आप लोग तैयारी पर फोकस कीजिएगा, बहुत जल्द एग्जाम डेट आने वाली है, तो सभी लोग अब स्टडी पर फोकस कीजिए। जो लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करते हैं, बहुत जल्द परीक्षा होगी। अब इसका आंसर करिएगा, बताइए पंजाब केसरी के नाम से किसे जानते हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, लाला लाजपत राय। या तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। क्या करेक्ट आंसर होगा? डी इसका राइट आंसर होगा, यस, लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 30 के लिए, रोहतांग दर्रा कहाँ पर है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? रोहतांग दर्रा आपको बताना है कहाँ पर है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? गुड मॉर्निंग, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, हिमाचल प्रदेश में। या तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है, आप लोग याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रा है। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है।
ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बिल्कुल इसी प्रकार से पूछा गया था। वैसे आप लोग याद रखिएगा ए करेक्ट आंसर है, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 31 के लिए। गुड मॉर्निंग, सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 31 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, आपको बताना है वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहते हैं। क्या पूछा गया, वनस्पति विज्ञान का पिता किसे कहते हैं, जनक किसे कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, सॉरी इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, थियोफेस्टस। डी करेक्ट आंसर होगा इसका, डी करेक्ट आंसर होगा इसका, बी करेक्ट आंसर नहीं होगा। पहले क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से, क्या पूछा गया है वनस्पति विज्ञान का पिता किसे कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, थियोफेस्टस करेक्ट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 32 के लिए, सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 32 के लिए। बताइए नेपाल स्थित पशुपतिनाथ जी का मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है। ये अच्छा क्वेश्चन है, सभी इसका आंसर करिएगा। बताइए नेपाल में स्थित जो पशुपतिनाथ जी का मंदिर है किस नदी के किनारे स्थित है, बागमती, सरस्वती, इंदुमती या फिर गोमती। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, बागमती नदी के किनारे, या तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा, नेपाल स्थित पशुपतिनाथ जी का मंदिर बागमती नदी किनारे स्थित है, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 33 के लिए। बताइए विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाते हैं, सभी इसका आंसर करिए दोस्तों। बताइए विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, 11 जुलाई को। कब, 11 जुलाई को प्रतिवर्ष विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 34 के लिए, सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 34 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, भारत के किस शहर में सप्तक संगीत समारोह मनाया जाता है। यह अच्छा क्वेश्चन है, सभी इसका आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, जो सप्तक संगीत समारोह है भारत के किस शहर में मनाया जाता है। सही करेक्ट आंसर होगा अहमदाबाद में, अहमदाबाद गुजरात का शहर है, अहमदाबाद कहाँ पर है, गुजरात में है, और भारत का मैनचेस्टर भी कहते हैं अहमदाबाद को। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल होने वाला भारत का पहला शहर है अहमदाबाद, और अहमदाबाद में सप्तक संगीत समारोह मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 35 के लिए। बताइए तिरुचिरापल्ली किस नदी किनारे स्थित है। अगर पूछ लें परीक्षा में तिरुचिरापल्ली कहाँ का शहर है, तो आप लोग याद रखिएगा तमिलनाडु का शहर है। कहाँ का शहर है, तमिलनाडु का शहर है, और ये कावेरी नदी के तट पर स्थित है, कावेरी नदी किनारे बसा है, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 36 के लिए, नहरों का शहर किसे कहते हैं। चार ऑप्शन आपको दिए गए, बताइए नहरों का शहर किसे कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, वेनिस को। क्या करेक्ट आंसर है, सी करेक्ट आंसर होगा, वेनिस को नहरों का शहर कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगर पूछा जाए नहरों का देश किसे कहा जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा पाकिस्तान को, किसे, पाकिस्तान को नहरों का देश कहते हैं। ये अलग अलग क्वेश्चन, इनको आप लोग याद रखिएगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 37 के लिए। बताइए मजम उल बहरीन नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। क्या पूछा गया है, मजम उल बहरीन नामक पुस्तक किसने लिखी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, दारा सिकोन है। क्या, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, दारा सिकोन है मजम उल बहरीन नामक पुस्तक लिखी है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 38 के लिए। बताइए द्रव की चतुर्थ अवस्था कौन सी होती है। इसका राइट आंसर क्या होगा, तो सभी इसका आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, क्या पूछा गया है, द्रव की चतुर्थ अवस्था कौन सी होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, प्लाज्मा। क्या करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, प्लाज्मा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 39 के लिए, सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 39 के लिए। सीस्मोग्राफी किसका विज्ञान है। इसका राइट आंसर क्या होगा, तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 39 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, भूकंप से संबंधित विज्ञान है क्या सीस्मोग्राफी, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। इसमें भी क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन नंबर बी दिया, उनका सही उत्तर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 40 के लिए, सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 40 के लिए। बताइए बेकिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 40 के लिए, क्या पूछा गया है, बेकिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, NaHCO3।
डी का राइट आंसर होगा इसका। क्या तो आपका नंबर डी इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 41 के लिए, बताइए ग्रीनलैंड किस देश का हिस्सा है। अब तो याद रखिएगा परीक्षा में पूछा जाएगा विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। अगर पूछा जाए विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है तो आप लोग याद रखिएगा ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। और ये किस देश का हिस्सा है, डेनमार्क का हिस्सा है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। 42 के लिए आंसर करिएगा, आपको बताना है व्हाट इज द नेशनल स्पोर्ट ऑफ फ्रांस, फ्रांस का राष्ट्रीय खेल बताइएगा। फ्रांस यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत आता है, कई बार मैंने आपको बताया भी है। लघु यूरोप के नाम से जाना जाता है फ्रांस को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकते हैं लघु यूरोप किसे कहते हैं, तो आप लोग याद रखिएगा फ्रांस को कहा जाता है। राजधानी कई बार मैंने आपको बताया है पेरिस है, और पेरिस ये सीन नदी किनारे बसा है। ये भी पूछ सकते हैं किस नदी किनारे बसा है, तो आप लोग याद रखिएगा सीन नदी किनारे बसा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा फुटबॉल, या तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 43 के लिए, सब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 43 के लिए, बताइए खिलाफत आंदोलन किस पर हुआ था। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, क्या पूछा गया खिलाफत आंदोलन किस पर हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा 1919 में हुआ था खिलाफत आंदोलन, तो ऑप्शन नंबर बी का राइट आंसर होगा। 1920 करेक्ट आंसर नहीं होगा, बी करेक्ट आंसर होगा 1919। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 44 के लिए, राजा राम मोहन राय को युग दूत किसने कहा था। क्या पूछा गया है प्रश्न, राजा राम मोहन राय को युग दूत किसने कहा था, महात्मा गांधी ने, सुभाष चंद्र बोस ने, जवाहरलाल नेहरू ने, या फिर नन ऑफ दीज। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा सुभाष चंद्र बोस, या ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस ने राजा राम मोहन राय को युग दूत कहा था, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 45 के लिए, बताइए मानचित्र बनाने के विज्ञान को क्या कहते हैं। क्या पूछा गया है मानचित्र बनाने के विज्ञान को क्या कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा कार्टोग्राफी, या तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा मानचित्र बनाने के विज्ञान को कार्टोग्राफी कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 46 के लिए, छत्रपति शिवाजी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है। छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मुंबई में। हैदराबाद में बेगमपेट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, अहमदाबाद में सरदार पटेल हवाई अड्डा है। इनको आप लोग याद रखिएगा, ये पूछे हुए प्रश्न है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 47 के लिए, आपको बताना है भारत की पांचवी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। ये अच्छा क्वेश्चन है, कई परीक्षा में पूछ चुके हैं इस प्रश्न को, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। भारत की जो पांचवी पंचवर्षीय योजना, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था। ए करेक्ट आंसर होगा गरीबी उन्मूलन, या तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 48 के लिए, प्रश्न इस प्रकार से, 1950 में भारत में योजना आयोग की स्थापना की गई थी, किसके द्वारा की गई थी। ये आपको बताना है, जो योजना आयोग है इसे 2014 में खत्म कर दिया गया, ये भी आप लोग याद रखिएगा। इसके स्थान पर 2015 में नीति आयोग की स्थापना हुई थी, इंपॉर्टेंट है इसे आप लोग याद रखिएगा। योजना आयोग के जो अध्यक्ष होते थे प्रधानमंत्री होते थे, परीक्षा में पूछा जाता है योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो आप लोग याद रखिएगा भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, जवाहरलाल नेहरू, और यही योजना आयोग के पहले अध्यक्ष भी थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, बी करेक्ट आंसर होगा। आप लोग याद रखिएगा केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, कब स्थापना की गई थी, 1950 में, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 49 के लिए, सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 49 के लिए, आपको बताना है सिनेबार किसका अयस्क है। सभी जल्दी से आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, सिनेबार किसका अयस्क है, एल्यूमिनियम, कॉपर, पारा, या फिर सोना। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 49 के लिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, पारा मरकरी का अयस्क होता है सिनेबार, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 49 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 50 के लिए, क्लोरोफिल पाया जाता है मुख्यतः कहां पर। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 50 के लिए, गुड। यस, जीके के इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे परीक्षा में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, पत्तियों में पाया जाता है, सी इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 51 के लिए, बताइए कुंभलगढ़ का किला कहां पर है। सभी जल्दी से आंसर करिए, क्या पूछा गया है कुंभलगढ़ का किला कहां पर है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा राजस्थान में, या तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा राजस्थान में कुंभलगढ़ का किला है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 52 के लिए,
सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 52 के लिए। स्टेनलेस स्टील किस प्रकार की धातु है? ये एक मिश्र धातु है। सी करेक्ट आंसर होगा, मिश्र धातु है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 53 के लिए। बताइए पिछोला लेक भारत में कहां पर है? क्या पूछा गया है? पिछोला लेक भारत में कहां पर है? श्रीनगर, उदयपुर, भोपाल या फिर ननौबदीर? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, उदयपुर में। या तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, राजस्थान के उदयपुर में पिछोला लेक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 54 के लिए। बताइए तारे मुख्यतः किसके बने होते हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? आंसर सभी लोग दीजिए राइट या रॉन्ग। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, हाइड्रोजन हीलियम के बने होते हैं मुख्यतः। क्या ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है? आप लोग याद रखिएगा, तारे मुख्यतः हाइड्रोजन हीलियम के बने होते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 55 के लिए। सुनामी किस भाषा का शब्द है? क्या पूछा गया है प्रश्न में? सुनामी किस भाषा का शब्द है? इसका राइट आंसर क्या होगा? जर्मन, पुर्तगाली, जापानी या फिर चाइनी, चीनी? इस प्रकार से ऑप्शन है, तो सभी इसका आंसर करिए। बताइए क्वेश्चन नंबर 55 का करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, जापानी भाषा का शब्द है। क्या करेक्ट आंसर होगा? सी करेक्ट आंसर होगा इसका। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 56 के लिए। बताइए अजंता एलोरा गुफा कहाँ पर स्थित है? सभी जल्दी से आंसर करिएगा, अजंता एलोरा गुफाएं कहाँ पर स्थित है? तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 56 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, महाराष्ट्र में। या तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। आप लोग याद रखिएगा, अजंता एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित है मुख्यतः, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 57 के लिए। पृथ्वी शॉ किस खेल से संबंधित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, क्रिकेटर है, भारत के क्रिकेटर है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, इंडियन क्रिकेटर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 58 के लिए। बताइए निम्न में से किस पेज में संगीत का वर्णन है? ये अच्छा क्वेश्चन है, सभी इसका आंसर करिएगा। बताइए इनमें से किस वेद में संगीत का वर्णन है? अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद या फिर यजुर्वेद? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, सामवेद। या तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, सामवेद में संगीत का वर्णन है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है, पूछा जाता है सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, आप लोग याद रखिएगा, ऋग्वेद है। और वेदों की जो रचना है ये संस्कृत भाषा में की गई है। गायत्री मंत्र का उल्लेख भी आप लोग याद रखिएगा, ऋग्वेद में मिलता है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 59 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 59 के लिए। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाते हैं? इसका राइट आंसर बताइएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, 2 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस, 12 अगस्त को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, आप लोग याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस को मनाते हैं 12 अगस्त को, और 12 जनवरी को मनाया जाता है भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी याद रखिएगा, दिवस से संबंधित परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं परीक्षा में। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 60 के लिए, आज का लास्ट क्वेश्चन है। बताइए दुर्गापुर किस राज्य में है? सभी जल्दी से आंसर करिएगा, क्या पूछा गया है? दुर्गापुर किस राज्य में? उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, बिहार या फिर झारखंड में? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, वेस्ट बंगाल में। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, उड़ीसा करेक्ट आंसर नहीं होगा, वेस्ट बंगाल में है दुर्गापुर, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 60 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है, गुड, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर।